नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राइस स्मार्ट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म राइस स्मार्ट हिंदी पे। मैं हूं अखिलेश अवस्थी। दोस्तों, आज का बजट प्रस्तुत किया जा चुका है और ये मिस्टर निर्मला सीतारमन का ये पांचवा बजट है और पूरे देश का 75वां बजट है। तो आज के इस बजट में कंक्लूजन पे आते हैं और सीधे जानते हैं क्या महंगा हुआ, क्या सस्ता हुआ, जिसका आप सभी को इंतजार रहता है कि हमें ये जानना होता है कि क्या महंगा हुआ और क्या सस्ता हुआ। तो बहुत ही शॉर्ट में मैं कंक्लूजन ये आपके सामने लेकर के आया हूं, क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा हुआ। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों क्या महंगा हुआ। ठीक है, तो सिगरेट्स महंगी हो गई है, शराब महंगा हो गया है, छाता महंगा हो गया है, विदेशी किचन चिमनी महंगी हो गई है क्योंकि ड्यूटीज बढ़ा दी गई हैं, सोना महंगा हो गया है, आयातित चांदी के सामान महंगे हो गए हैं, प्लैटिनम महंगा हो गया है, एक्सरे मशीन महंगी हो गई है और विदेशी खिलौने महंगे हो गए हैं। तो दोस्तों, ये वो लिस्ट है जो चीजें महंगी होने वाली हैं क्योंकि इन पर ड्यूटीज वगैरह बढ़ा दी गई हैं। अब क्या सस्ता होने वाला है वो जान लेते हैं जल्दी से। तो एलईडी टीवी सस्ती होगी, कपड़ा सस्ता होगा, मोबाइल फोन इसलिए सस्ते होंगे क्योंकि जो बैटरी है, ठीक है, बैटरी सस्ती हो रही है जिसके कारण कुछ मोबाइल फोन जो हैं वो सस्ते मिलेंगे। खिलौना सस्ता हो गया, ठीक है, मोबाइल कैमरा लेंस ये सस्ते होंगे, इलेक्ट्रिक गाड़ियां ईवी ये सस्ती होंगी, हीरे के आभूषण ये सस्ते होंगे, बायोगैस से जुड़ी चीजें वो सस्ती होंगी, लिथियम सेल्स ये सस्ते होंगे और इन्हीं के कारण फर्क पड़ रहा है इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर और मोबाइल पर। साइकिल सस्ती होगी और बायोगैस से जुड़ी चीजें, ये दो बार आ गया यहां पर, तो बायोगैस से जुड़ी चीजें सस्ती होंगी। तो क्या सस्ता क्या महंगा, मैंने आपको एक कंक्लूजन में बता दिया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।